इट्स अ लव स्टोरी। क्या वो प्यार था जब कॉलेज के पहले दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा था कि कहीं पूरी जिंदगी कहीं रुक सी गई हो। मैंने मेरे चार दोस्तों के साथ आखिरी बेंच के कोने वाले सीट पे बैठा था जहाँ से मुझे पूरे क्लास का व्यू मिल सके। उस व्यू के सेंटर में तुम रहो और मेरी फोकस सिर्फ तुम पे बना रहे। मैम जोर जोर से चिल्लाकर कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम्हारे दिल की धड़कने से उनकी आवाज़ें गुम सी हो गई थी। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करने, मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करने, काश तुम आँखों की भाषा समझ लेती। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। दिल में जो बात थी वो जुआ पे आती थी लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले ही कहीं खो सी जाती थी। क्या वो प्यार था? आँखों से आँखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई और मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि शुभम लड़की के हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में रख कर पकड़ते हैं और मैं पगला मन ही मन मुस्कुरा कर कह गया कि मैं तुम्हारा ये हाथ जिंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूँ। क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगने लगा था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजरदान सी लगता था। तब से तुम मेरी ज़िंदगी की हिस्सा बन गई। हम साथ में मुस्कुराते थे, बस फर्क इतना था कि तुम खुशी से मुस्कुराती थी और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता था। क्या वो प्यार था? इन आँखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन होठों को तेरी इबादत सी हो गई थी। एक लाइन में तेरी तारीफ क्या करूं मैं, पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आग तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलन हो जाए। क्या वो प्यार था? तुम्हारे फ़ोन पे रिचार्ज मैं करता था और घंटों तक तुम किसी और से बातें करती थी। तुम प्यार के किसी और का हाथ पकड़ती थी और गुदगुदी यहाँ मेरे हाथों में होती थी। तुम किसी और को गले लगाती थी और धड़कने मेरी तेज हो जाती थी। क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था। तुम किसी और के कंधे पे सर रख के रोती थी और यहाँ तकलीफ मेरे दिल को होती थी। क्या वो प्यार था? न जाने वो क्या था, प्यार था या कुछ और था, लेकिन जो तुमसे था वो किसी और से नहीं था। दोस्तों उसने मुझे कही थी कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है और कुछ महीने बाद वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत की महल सजा रही थी। क्या वो प्यार था? साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक वसूल है, मतलब प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो जिंदगी ने अपने वसूल ही बदल दिए। तो आज हम भी बदलेंगे हमारे अंदाजे जिंदगी, रास्ता सबसे होगी लेकिन वास्ता किसी से नहीं। इस तरह ये गज़ल सुना के मैं महफिल में खड़ा था और लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए थे, क्योंकि एक तरफा ही सही लेकिन हाँ वो प्यार था। तो बेसिकली ये दिल की बात थी जो दिल ने बोली, लेकिन दिमाग ने एक ही बात बोली कि भाई ये फ्रेंड जोन है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसे लगी कमेंट करके बताएं और इस वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें।